प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको और आप सब के लिए जय मसीह की। प्रभु ने एक और मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। अपन लोग कई महीनों से एक विषय का अध्ययन कर रहे थे, बल्कि एक विषय के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन कर रहे थे, और वो विषय यह था कि एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया है, उस व्यक्ति के जीवन में हम उस व्यक्ति से क्या क्या उम्मीद रखते हैं, उस व्यक्ति के व्यावहारिक जीवन में हम क्या क्या देखना चाहते हैं, ना केवल हम लेकिन प्रभु उस व्यक्ति से क्या क्या चाहते हैं। एक विश्वासी के जीवन में जिसने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उसके जीवन में नियमित रूप से प्रार्थना होनी चाहिए। यह हमने देखा था, हमने प्रभु के वचन से ये भी देखा था कि जिसने भी प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति या उद्धार पाया है, वो उस मुक्ति के संदेश को दूसरों तक पहुँचाए, यह उसकी जिम्मेदारी है। ये संदेश सिर्फ अपने आप तक नहीं रखना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हमने देखी थी, जैसे कि हर व्यक्ति को मनसा वाचा कर्मणा अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। पिछले हफ्ते हमने ये देखा कि चूंकि प्रभु ने हमको एक नया जीवन दिया है, और चूंकि प्रभु ने हमारे जीवन की हर चीज़ को चूंकि प्रभु जानते हैं और प्रभु हर चीज़ को अपने नियंत्रण में रखते हैं, इस कारण हम में से हर व्यक्ति को जीवन में सदा आनंदित रहना चाहिए। आज व्यावहारिक जीवन से संबंधित एक और विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम सब इस बात को जानते हैं कि प्रभु ने हमको नया जीवन दिया है। हम ये भी जानते हैं कि प्रभु ने हमको जो नया जीवन या जो शाश्वत जीवन दिया है, वो मेरी या आपकी योग्यता के कारण नहीं है। प्रभु यीशु ने सूली पर जाकर मेरे और आपके लिए अपना जीवन बलिदान के रूप में दे दिया, और उस बलिदान के कारण प्रभु ये नया जीवन या ये शाश्वत जीवन हमको एक गिफ्ट या एक तोहफे के रूप में देते हैं, जिसको पाने की हमारी कोई योग्यता नहीं है। एक बार जब प्रभु दे देते हैं, तब इसको कोई भी वापस नहीं ले सकता है, प्रभु भी इसे वापस नहीं लेंगे। ये बात प्रभु के वचन से मैंने बहुत ही साफ साफ आपको बताई थी। अब सवाल ये उठता है कि प्रभु ने जीवन दे दिया, वो जीवन हमसे कभी भी कोई छीन नहीं लेगा, प्रभु हमसे वापस नहीं लेंगे, तो क्या हमारा जीवन सुरक्षित है? इस कारण क्या अब हम मनमाना जीवन बिता सकते हैं, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिता सकते हैं क्या? इसके बारे में प्रभु यीशु के वचन में आदि से लेकर अंत तक बहुत सारी बातें कही गई हैं। इवन जो बाइबल की पहली पुस्तक है, उसमें ही मनुष्य को प्रभु ने आज्ञा दी थी ऐसा करना और ऐसा ना करना, और मैंने जो बात तुमसे मना किया है वैसा करोगे तो उसका फल ऐसा होगा। तो प्रभु के वचन की जो पहली पुस्तक है, वहाँ से लेकर जो सबसे आखिरी पुस्तक है, उसमें हम बार बार जो हम करते हैं और बाद में हमको उसका जो हिसाब देना पड़ेगा, इसमें आपसी संबंध के बारे में बहुत सारी बातें देखते हैं, पढ़ते हैं। और जब भी हम इन बातों को देखते हैं, तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रभु ने ये जो शाश्वत जीवन है, ये एक वरदान के रूप में हमको, गिफ्ट के रूप में, एक वर के रूप में दे दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मन माना जीवन जिए या मन माना व्यवहार करें। इसके बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध, प्रभु के वचन का बहुत ही प्रसिद्ध
जाना माना हुआ एक कथन हमको पहला कुरिन्थियों और उसके तीसरे अध्याय में मिलता है। पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय नए नियम में पेज 230 के आसपास आपको मिलेगा, पेज 230। पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय और उसके 10वें पद से मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, जरा सुन ले। पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय 10वें पद से, प्रभु के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राज मिस्री की नाई नींव डाली। ये कथन किस व्यक्ति की ओर से है? प्रभु यीशु के महान दास और महान प्रेरित पौलुस का कथन है। प्रेरित का क्या मतलब है? प्रभु यीशु ने आज से 2000 साल पहले जब वे इस संसार में थे तब कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया था, चुन लिया था कि प्रभु यीशु के बाद प्रभु के अनुयायियों को गाइड करें, उनको रास्ता दिखाएं। प्रभु के जाने के बाद भी बहुत सारे लोगों को प्रभु ने चुना कि वे प्रभु के लोगों की अगुवाई करें। इन सब लोगों को मिलाकर प्रेरित कहा जाता है, ठीक है। इन प्रेरितों में प्रभु ने जिस व्यक्ति का बहुत अधिक उपयोग अपने वचन के लिखने के लिए किया, उस प्रेरित का नाम था पौलुस। प्रेरित का मतलब जिसको प्रेरणा मिली है, किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा मिली है, या प्रभु की प्रेरणा के द्वारा जो किसी विशेष कार्य के लिए बुलाया गया है। तो यहां पर पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मैंने नींव डाली। पौलुस ने जो कहा है उसको देखने के पहले या पौलुस के द्वारा प्रभु ने हमसे अपने वचन में जो कहा है उसको देखने के पहले एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु जब संसार में थे तब उन्होंने 12 लोगों को चुन लिया था, जिनको प्रेरित प्रेरणा के द्वारा जिनको बुलाया गया कहा जाता है। उनमें से एक तो नकली निकला जिसने प्रभु यीशु को धोखे से पकड़वा दिया, बाकी थे 11। इन 11 के अलावा और भी बहुत से हुए थे जिसके बारे में प्रभु का वचन, जिनके बारे में प्रभु का वचन कहता है। तो उसको यहाँ ये जो भाग है इसको रोक कर मैं एक चीज इसलिए आपको बताना चाहता था कि ऐतिहासिक रूप से आपकी जानकारी पर्याप्त हो। अपन हिंदुस्तानी लोग हैं, प्रभु यीशु जहाँ पधारे थे वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर अपन रहते हैं। हमको प्रभु ने नहीं भुलाया, हमको प्रभु ने नहीं छोड़ा। प्रभु आए उस देश में थे, लेकिन प्रभु ने अपने जीवन काल में जिन प्रेरितों को चुन लिया था, जिन शिष्यों को चुन लिया था और जिनको ये जिम्मेदारी दी थी कि मेरे स्वर्गारोहण के बाद जाओ और सारी दुनिया में मेरा ये शुभ संदेश सुनाओ, उनमें से एक व्यक्ति हिंदुस्तान भी आए थे, ईस्वी 50 के आसपास। मत्ती रचित सुसमाचार, मतलब नए नियम की जो पहली पुस्तक है उसकी एक कॉपी लेकर, उसकी एक प्रति लेकर प्रभु यीशु के महान शिष्य संत थॉमस या संत थॉमा हिंदुस्तान पधारे थे। और यहीं पास में एर्नाकुलम के पास में कुडुंगल्लूर नाम की जगह है। आजकल तो वहाँ पानी का जहाज नहीं आ पाता, लेकिन 2000 साल पहले वहाँ पानी के जहाज व्यापार के लिए नियमित रूप से आया करते थे, जिसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं। तो प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से और उसके अलावा और भी जो ठहराए गए थे उनमें से संत थॉमा या सेंट थॉमस अंग्रेजी में संत थॉमा परमेश्वर के वचन से, उत्तरार्ध से नए नियम के मत्ती रचित शुभ संदेश को लेकर वे पधारे थे 50 ईस्वी में। और पधार कर उन्होंने केरल में, तमिलनाडु में और केरल के बाहर कई जगह जाकर प्रभु यीशु के इस संदेश को सुनाया था। मैंने ये बात डिटेल में बताई कि अपन जो हिंदुस्तानी लोग हैं अपने को मालूम तो होना चाहिए कि प्रभु यीशु का शुभ संदेश हिंदुस्तान कैसे पहुंचा। तो प्रभु ने इस तरह से प्रेरणा देकर जिन प्रेरितों को
अपने जीवन में बुलाया था, और प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा की अगुवाई से जिन लोगों को बुलाया था उसमें से एक प्रेरित थे संत थॉमा, जिनके बारे में हिंदुस्तानी लोगों को मालूम होना चाहिए। दूसरे एक प्रेरित थे पौलुस, जिनके द्वारा प्रभु ने बाइबल के उत्तरार्ध में या नए नियम में बहुत सारे पुस्तकों की रचना करवाई थी। इवन अपन ये जो पुस्तक पढ़ रहे हैं पहला कुरिन्थियों, इसकी रचना पवित्र आत्मा ने संत पौलुस के द्वारा की। ओके, संत पौलुस के द्वारा प्रभु ने क्या क्या किया इसको जरा पढ़कर देखें। यहाँ लिखा है, प्रभु के अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। हम इस बात को जानते हैं कि जब मकान बनाया जाता है कम से कम एक मिस्त्री होता है, कम से कम एक होता है, कई मकानों में एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन मुख्य मिस्त्री के अंडर वो सब लोग काम करते हैं। बेलदार कितने होते हैं? बेलदारों की कोई संख्या नहीं होती, जिस दिन जितना काम करना होता है उतने ही ज़्यादा बेलदार लगाए जाते हैं। ठीक है, बेलदारों के बिना काम हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन यदि आपसे कोई कहे कि 10 आदमी लगाओ लेकिन बेलदार ही बेलदार लगाओ, मिस्त्री नहीं लगाओ, काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन यदि कहा जाए कि 10 मिस्त्री लगा दो बेलदार नहीं, तो काम हो सकता है क्या? हो सकता है। इसलिए कि मिस्त्री सब कुछ जानता है, वो बेलदार का काम भी जरूरत पड़ने पर कर सकता है, जबकि बेलदार मिस्त्री का काम नहीं कर सकता। किसी भी भवन की नींव मिस्त्री डालता है, उसकी दीवारें सीधी हैं या नहीं मिस्त्री तय करता है, कहाँ पर जोड़ लगना है मिस्त्री तय करता है, कहाँ पर किस तरह का गारा बनना है, किस तरह का मसाला बनना है, एक तसला सीमेंट के साथ 5 तसला बजरी डाला जाएगा या 10 तसला डाला जाएगा, मिस्त्री तय करता है। ठीक है, बेलदार नहीं, मिस्त्री जो बोलता है उसके अनुसार बेलदार काम करता है। प्रभु के वचन हमको याद दिलाता है कि प्रभु यीशु के बच्चों की ये जो संगति है जिसे मंडली कहा जाता है या सभा कहा जाता है, उसकी नींव डालने के लिए प्रभु ने एक व्यक्ति का उपयोग किया था, और वो व्यक्ति है प्रभु के महान प्रेरित, प्रभु के द्वारा बुलाए गए संत पौलुस। पौलुस के इतिहास में मैं आज डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन पौलुस का इतिहास अपने आप में बहुत ही रोमांचक इतिहास है। उस व्यक्ति के द्वारा प्रभु ने नींव डाली। नींव कैसे डाली? भाई, प्रभु यीशु के अनुयायियों को जो बातें जाननी चाहिए वे सारी बातें बाइबल के उत्तरार्ध में या नए नियम में रोमियों की पत्री से लेकर यहूदा की पत्री तक मिलती है, जिसमें रोमियों की पत्री से इब्रानियों की पत्री तक 14 मुख्य लेख, मुख्य से मेरा मतलब ये नहीं कि बाकी जो है बेकार हैं, मुख्य से मेरा मतलब यह है कि ये जो 14 है ये अपने आप में एक इकाई है, इनकी रचना पवित्र आत्मा ने इस महान व्यक्ति के द्वारा की थी। बाकी और भी हैं, जैसे पत्रस है, याकूब है, यहूदा है, इन लोगों के द्वारा भी प्रभु ने अपना वचन हमको दिया था, लेकिन उन लोगों ने छोटे छोटे लेख लिखे हैं। इस कारण जिस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा लिखा है उसको मुख्य मिस्त्री कहा जाता है या माना जाता है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और कहा गया है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया मैंने बुद्धिमान मिस्त्री के समान नींव डाली। लेकिन एक शब्द और यहाँ कहा गया है, वो है बुद्धिमान राजमिस्त्री। हम सबको ये याद रखना चाहिए कि प्रभु यीशु के जो अनुयायी है, हम सबको प्रभु ने अलग अलग ओहदे दिए हैं, अलग अलग पोजीशन दिया है। इस पोजीशन में से एक विशेष पोजीशन या एक ओहदा जो संत पौलुस को दिया गया था वो न केवल मिस्त्री का है, वो राजमिस्त्री का है। तो बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान उन्होंने नींव डाली। ठीक है, नींव डालने के बाद लोग एक एक करके उसके ऊपर लेवल, अलग अलग लेवल पे निर्माण करते चले जाते हैं। ठीक है, निर्माण के बारे में प्रभु का वचन कहता है, हर एक मनुष्य चौकस रहे
कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है, मतलब नींव के बाद उसके ऊपर किस तरह का निर्माण करता है, इसका ख्याल रखे। क्यों? उसकी व्याख्या 12वें पद में हम देखते हैं। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। आप कहेंगे कि शास्त्री सर, मकान सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर काठ घास फूस से तो कोई नहीं बनाता है। जी नहीं, वाकई में कोई नहीं बनाता है, लेकिन यहाँ इस लकड़ी और पत्थर के बने हुए मकान की चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ मेरे आपके आत्मिक जीवन की चर्चा हो रही है। मेरे आपके आत्मिक जीवन में हमें निर्माण करना है, ये बात प्रभु यीशु का वचन बहुत स्पष्टता से बताता है। जब प्रभु संसार में थे तब भी उन्होंने ये बात कही थी, प्रभु के जाने के बाद प्रभु ने अपने शिष्यों के द्वारा भी ये बात कही है। आपको यदि याद हो, प्रभु ने कहा था, सच्ची दाखलता मैं हूँ, जो मुझ में बना रहता है वो फल लाता है, जो फल नहीं लाता वो काट डाला जाता है। इसका क्या मतलब? प्रभु यीशु के जो अनुयायी हैं या उनके जो बच्चे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि प्रभु ने उनके जीवन में जो फल लाने को उनसे कहा था वो फल उनके जीवन में दिखाई दे। ये सब एक ही विषय की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ जिस भवन की हम चर्चा कर रहे हैं, ये भवन हमारा आत्मिक जीवन है, मेरा आत्मिक जीवन है, आपका आत्मिक जीवन है। इस आत्मिक जीवन का निर्माण दो तरह की चीज़ों से किया जा सकता है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। एक, बहुमूल्य चीज़ों के द्वारा। इन बहुमूल्य चीज़ों को दिखाने के लिए सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर का उदाहरण दिया गया है। दूसरी ओर इस आत्मिक भवन का निर्माण बेकार की चीज़ों से, जो स्थायी नहीं है, ऐसी चीज़ों से भी किया जा सकता है। उन चीज़ों के बारे में प्रभु के वचन में लिखा है कि वो काठ मतलब लकड़ी, घास या फूस का रद्दा रखे। हम इस बात को जानते हैं कि सोने और चांदी और बहुमूल्य पत्थर की तुलना में लकड़ी, घास, फूस ये स्थायी नहीं है। कोई यदि माचिस जला के काड़ी डाल दे तो घास फूस में तुरंत आग लग जाए, और घास फूस में आग लग जाए तो लकड़ी में आग लग जाए। सोना चांदी यदि उस आग में पड़ा रहे, उसका कुछ बिगड़ेगा क्या? सोने की कीमत कम हो जाएगी क्या? चांदी की कीमत कम हो जाएगी क्या? जी नहीं। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक आदमी अपनी तिजोरी में कुछ सोने की ईंटें रख देता है, कुछ चांदी की ईंटें रख देता है, और पेपर की करेंसी 2000 के नोट, 2 करोड़ रुपए रख देता है। दुर्भाग्य से आग लग जाती है, आग तिजोरी के अंदर भी चली जाती है, तिजोरी में रखे हुए सारे नोटों का क्या हो जाएगा? राख बन जाएगा। मान लीजिए तिजोरी में रखा हुआ जो सोना और चांदी है वो पिघल जाता है, ठीक है। आग जब बुझ जाए तब यदि आप किसी सुनार को बुला के कहे कि भैया आग लग गई थी, तिजोरी के अंदर जो चांदी है वो चांदी पिघल गई थी, मैं चांदी बेचना चाहता हूँ, ये सोना पिघल गया था, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, तो वो सुनार ये कहेगा क्या? पिघल गया है इसलिए हम चांदी को चांदी नहीं मानते, पिघल गया है इसलिए हम सोने को सोना नहीं मानते। कहेगा या नहीं कहेगा? नहीं कहेगा। क्यों? पिघलने के बावजूद चांदी चांदी ही है, सोना सोना ही है, उसकी कीमत में कोई फर्क नहीं आता है। अब आप बैंक में से किसी को बुला के बैंक मैनेजर से कहें कि अरे माई बाप, 2 करोड़ रुपए रखे थे और 2 करोड़ रुपए पेपर जल के राख बन गया है, चूंकि वो नोट जलने के कारण ये राख बना है, इसलिए राख को लेकर मुझे कुछ कीमत दे दीजिए। वो देगा या नहीं देगा? नहीं देगा, बल्कि वो हंसेगा कि इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है कि मैं राख के पैसे दूं।
तो देखिए दोनों में कितना फर्क है। एक आग के कारण पिघल जाए उसकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा आग लग जाए तो फिर उसकी कीमत शून्य हो जाती है। इसी तरह से मेरे आपके आत्मिक जीवन में हम अपने आत्मिक भवन का निर्माण करने के लिए प्रभु का वचन याद दिलाता है कि ऐसी चीजों का उपयोग करें जिनकी कुछ कीमत हो, और आग लग जाने के बावजूद उसकी कीमत में कोई फर्क ना आए। ऐसी चीजों का उपयोग ना करें जो आग लगने के बाद राख बन जाते हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं है। ठीक है, इसके बारे में आगे लिखा हुआ है, हरेक का काम प्रकट हो जाएगा। 13वें पद में हरेक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिस तरह से आग में डालने के बाद बावजूद सोने चांदी का कुछ नहीं बिगड़ता है, पेपर की करेंसी उसकी कीमत शून्य हो जाती है, उसी तरह से एक दिन आएगा, प्रभु का वचन याद दिलाता है, एक दिन आएगा जब मेरे और आपके कर्मों का न्याय होगा। इस बात को याद रखें, प्रभु ने हमको मुक्ति दी है, मुक्ति दी है, हमको जो जीवन उसके साथ साथ दिया है वो शाश्वत जीवन है। शाश्वत का मतलब वो हमसे कभी भी ले नहीं लिया जाएगा, हम उसको कभी खो नहीं देंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम मनमाना जीवन बिताएं। इस बात को याद रखें कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर जो भी संसार में आया है, चाहे वो शाहनशाह हो, चाहे भिखारी हो या फकीर जिसने सब त्याग दिया है, सबको जाना पड़ेगा। लेकिन जाने के साथ साथ एक काम और होगा जो यहाँ लिखा है, अग्नि के द्वारा हमारे जीवन में हमने जो कर्म किए हैं उन कर्मों की परीक्षा होगी, और जब उन कर्मों की परीक्षा होगी तो हमारे जो कर्म हैं उसमें सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर के तुल्य जो अच्छे कर्म थे वो तो बच जाएंगे, लेकिन मैंने और आपने अच्छा समझकर, लेकिन अपनी मूर्खता के कारण, अपनी गलती के कारण ऐसे जो कर्म किए हैं जो कि अपने आप में शून्य है, बेकार है, किसी के काम का नहीं है, वे सब जलकर समाप्त हो जाएंगे। आप पूछेंगे कि शास्त्री सर ऐसे कौन से कर्म हैं? देखिए, अपने जीवन में हम प्रभु के लिए जो कुछ करते हैं वो दो प्रकार से किया जा सकता है। मान लीजिए आपको फोन आता है कि शाम को सत्संग का समय हो गया है, सत्संग के लिए तैयार रहें। आप सोचते हैं, अरे बाप रे, सत्संग, आज शाम को सत्संग जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, आज तो सोने की इच्छा हो रही है, भयानक गर्मी पड़ रही है, लेकिन वो जेफरी भाई आएंगे तो मैं यदि सो रहा हूँ तो मुझे शर्मिंदा होना होगा, इसलिए उठ के किसी तरह से जेफरी भाई को खुश करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, आके यहाँ बैठ जाते हैं। सबकी नज़र में तो आप आ गए सत्संग में, और प्रभु की नज़र में आप सत्संग में काहे को आए? प्रभु को प्रसन्न करने के लिए नहीं, प्रभु के प्रति प्रेम के कारण नहीं, जेफरी भाई नाराज ना हो जाए इस कारण आप सत्संग में आए हैं। तो सत्संग में आने के कारण प्रभु के सामने कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं। देखने दिखाने के लिए जीवन में जो कर्म किए जाते हैं वे लकड़ी, घास और फूस के समान है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मान लीजिए जेफरी भाई आपको बुलाते हैं कि भैया तुम तैयार हो क्या, और आप कहें कि अरे शाम को सत्संग है, गाने गाएंगे, भजन करेंगे, प्रभु के वचन से सुने, मैं घंटे भर से तैयार बैठा हूँ और आध घंटे से आपको फ़ोन लगा रहा हूँ, आपका फ़ोन लग नहीं रहा है। तो आप यदि उत्साह के साथ तैयार होकर बैठते हैं तो प्रभु आपके दिल को देखते हैं कि हाँ, ये है मेरा असली बच्चा जो मुझसे भक्ति के कारण सत्संग में जा रहा है। तो ये तो मैंने एक उदाहरण आपको बताया। इस तरह से हमारे जीवन में पचासों उदाहरण हो सकते हैं। हम जो कार्य करते हैं वो कार्य किस नजरिए से करते हैं प्रभु उसको देखते, कार्य को नहीं देखते। कार्य तो कोई भी कर सकता है, भाड़े पे 50 आदमियों को लाके यहाँ बैठाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
ऐसे बहुत सारे लोग सड़क पर मिल जाएंगे जिनसे कहेंगे अरे भैया हिंदी में सत्संग हो रहा है आके बैठ जाओ और घंटे पर बैठने के 200 रुपये मिलेंगे। मैं कहता हूँ कि इस हॉल में खड़े रहने की जगह नहीं होगी। नहीं, यहाँ भीड़ जुटाने के लिए यदि हम किसी को लाते हैं वो बेकार है, और यहाँ किसी और को दिखाने के लिए हम यहाँ आते हैं बेकार है। प्रभु के प्रति मेरा और आपका जो प्रेम है, जो स्नेह है, प्रभु के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, प्रभु के प्रति हमारी जो वफादारी है, उसके कारण जब हम सत्संग में आते हैं तब प्रभु उसको देखते हैं, हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बिटिया है जो मुझसे प्रेम के कारण यहाँ आया है। वो कर्म सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर के समान होगा। दूसरे को दिखाने के लिए आते हैं तो वो लकड़ी घास और फूस के समान है। प्रभु ने इसका एक उदाहरण भी दिया था। आज से 2000 साल पहले प्रभु ने इसका एक उदाहरण दिया था। एक बहुत ही धनी आदमी था जिसके दो बेटे थे। बेहद धनी आदमी था, करोड़पति था। उसके छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी प्रॉपर्टी में से मेरा शेयर मुझे दे दीजिए। पिताजी ने प्रॉपर्टी में से शेयर उसको दे दिया। उसने गलत बात मांगी थी लेकिन दे दिया। वो प्रॉपर्टी बेच बाच के दूर देश में चला गया और उसने मनमानी जीवन बिता के बिल्कुल कंगाल हो गया, नंगा हो गया, भूखा हो गया, और यहाँ तक कि उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि जानवर जो खाते थे वो थोड़ा सा मिल जाए तो मेरा पेट भर जाए ऐसा सोचता था, वो भी कोई खाने को नहीं देता था। अचानक उसको लगा कि देखो मैं कैसा पापी हूँ। अपन जो गाते हैं, पापी था मैं आपसे दूर। उस बेटे को ये बात समझ में आई कि मैं अपनी गलती के कारण प्रभु से दूर हो गया। वो उठकर वापस आया, पिता से माफ़ी मांगी। पिता ने बहुत ही विशाल काय पार्टी आयोजित की। नौकरों से कहा ले जाओ, स्नान करवाओ, नए कपड़े पहनाओ, नए चप्पल पहनाओ और उसको सब कुछ नया दो। उसने पश्चाताप किया, प्रभु ने उसके कर्म को अच्छा माना। अब घर में जब नाच गाना हो रहा था तो उसके एक बड़ा भाई था, वो आया। दूर से उसने आवाज़ सुनी तो वो सतर्क हो गया। अपने स्वयं के घर के अंदर प्रवेश करने के बदले बाहर ही खड़ा रहा। एक नौकर को बाहर बुलाया। देखिए हम सब का जीवन गाँव में स्टार्ट हुआ है। हम सब इस बात को जानते हैं कि किसी भी घर में जब बड़ा पुत्र आता है तो बाकी सब वहाँ से हट जाते हैं। वो बड़े रौब के साथ आके घर पे बैठता है। नौकर यदि उस घर में हो तो दौड़ के पानी वानी लाते हैं, और नहीं हो तो घर में जो लोग सेवा करते हैं वो उसको पानी पिलाते हैं। पूछते हैं कि क्या भैया, बड़े भैया आज आपको क्या पिलाया जाए, आपको क्या खिलाया जाए। जिस बड़े बेटे का घर में ये स्थान था, ओहदा था, आज पहली बार जब वो वापस आया तो घर के अंदर नहीं गया, दास को बाहर बुलाया। क्या हो रहा है उसने पूछा तो बोले कि भैया साहब आपके छोटे भाई आए हैं और घर में इसलिए खुशी हो रही है। वो इतना नाराज हो गया कि उसके पिताजी को बाहर आना पड़ा। पिताजी ने कहा बेटा तुम्हारा छोटा भाई आया है। और उसने अपने पिताजी से तमाम उल्टी सीधी बातें की। हम देखते हैं ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई कहानी नहीं, प्रभु यीशु ने स्वयं ये कहानी सुनाई थी। और कहानी के अंत में हम देखते हैं कि बड़ा बेटा रहा लेकिन छोटे बेटे के समान पिता के साथ संगति नहीं हुई। मेरे आपके जीवन में कई बार ऐसा होता है, हैं हम उसी परिवार के अंग लेकिन एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी गलती मानकर पापी मैं था आपसे दूर, बचा लिया, दया है आपकी, ये देखकर घर में वापस जाते हैं। एक है जो उस घर में रहते हुए भी उस घर में जाना नहीं चाहता। ये दोनों ही दो प्रकार के कर्म दिखाते हैं, और ये दो प्रकार के कर्म दो प्रकार के नजरिए को दिखाते हैं। एक सही नजरिया,
सही दृष्टिकोण, एक गलत नजरिया या गलत दृष्टिकोण प्रभु का वचन याद दिलाता है कि मुझे और आपको जिनको प्रभु ने बुलाकर अपने परिवार का अंग बनाया है, हमारी जिम्मेदारी है कि प्रतिदिन के जीवन में सही नजरिए से हम कर्म करें, जिससे कि हमारा कर्म सोने चांदी या बहुमूल्य पत्थरों के समान हो, ऐसा नहीं उस बड़े बेटे के समान जिससे कि हमारा कर्म लकड़ी घास या फूस के समान हो। आज संध्या को जितने लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज संध्या को आप यहाँ क्यों आए हैं? इस सत्संग में इतने सारे लोग आए क्यों आए हैं? क्या इसलिए कि किसी ने आपको बुलाया, या इसलिए कि आसमानी प्रभु की वाणी आपने सुनी, प्रभु के बच्चे बने और इस बात को समझा कि प्रभु के बच्चों के समान संगति आपकी जिम्मेदारी है? यदि किसी के मनुष्य के बुलाने के कारण आए हैं तो आपका ये कर्म लकड़ी घास और फूस के समान है, लेकिन यदि आपके अंदर की जो आवाज़ है जो आपको प्रभु से जोड़ती है, जो आवाज़ आपको ये याद दिलाती है मैं प्रभु का बच्चा हूँ और संगति में प्रभु के बच्चों के साथ जाना बैठना उठना गाना और प्रभु का संदेश सुनना मेरी जिम्मेदारी है, तो वो चांदी सोने और बहुमूल्य पत्थर के समान है। हम अपने जीवन को जरा मुड़कर देखें, मैंने उदाहरण सिर्फ सत्संग का बताया, लेकिन अपने पूरे जीवन को देखें, इस पूरे जीवन में हमको हर दिन पचासों काम करने पड़ते हैं, किस नज़रिए से आप ये कार्य करते हैं? मैं प्रभु का बच्चा हूँ ये सोचकर आप ये काम करते हैं या मन मार कर ये कार्य करते हैं? यदि आप ये सोचकर ये कार्य करते हैं कि मैं प्रभु का बच्चा हूँ, प्रभु मुझसे ही उम्मीद करते हैं और इसलिए मैं इस कार्य को करूँगा, तो वो चांदी सोना और बहुमूल्य पत्थर के समान है। लेकिन यदि आप ये इसलिए कर रहे हैं कि अरे बाप रे करना पड़ेगा है करना ही है, इसलिए मन मार कर यदि हम उस कार्य को कर रहे हैं तो कर तो लिया है, फायदा कुछ नहीं है, वो लकड़ी घास या फूस के समान है। प्रभु इस बात को समझने के लिए हम में से हर व्यक्ति की मदद करे। आज इस सभा में जो लोग एकत्रित हुए हैं उनको एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, इस संध्या को जो बातें मैंने आपको बताई ये बातें उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके प्रभु के द्वारा नया जीवन पाया है। यदि ऐसा कोई भाई या बहन इस सभा में है जिसने अभी तक प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो उनसे हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है कि आप प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके नया जीवन शाश्वत जीवन पालें। यदि आपको ये बात साफ साफ समझ में नहीं आई है तो आपको समझाने के लिए तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे पास आइए, हम यहाँ कई लोग हैं जो ये बातें आपको विस्तार से समझाएंगे। आज शाम को प्रभु ने इस तरह से एकत्रित होने के लिए जो अवसर दिया उसके लिए मैं दिल से प्रभु का शुक्रगुजार हूँ।